इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इरिडो का प्रॉब्लम नंबर 1.93। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन उस तरफ डिस्प्ले कर देता हूँ, और क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्वेश्चन से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हुए। बट हम लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं लाइन वाइज, ताकि हमें क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन में बोला गया है, अ फिक्स्ड पुली कैरीज अ वेटलेस थ्रेड विथ मास m1 एंड m2 एट इट्स एंड। तो एक हमारे पास में फिक्स्ड पुली हम लोग देख सकते हैं, और इसके एक एंड में मास m1 कनेक्टेड है, m2 कनेक्टेड है ना, और ये जो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है, दैट इज मासलेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द थ्रेड एंड द पुल्ली। अब यहां पर जो अलग बात है कि जो जो नॉर्मल हम लोग स्टैंडर्ड हम लोग सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम में देखते हैं कि यहां पर ये जो चीजें यहां से यहां तक फ्रिक्शनलेस होता है, लेकिन अभी यहां पर जो है ना थ्रेड और पुली के बीच में फ्रिक्शन है। ये जो थ्रेड है और पुली के बीच में फ्रिक्शन है, तो जो नॉर्मल हम लोग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं कि दोनों तरफ यहां पर अगर सपोज टेंशन में T1 बोल दूं और यहां पर टेंशन T2 बोल दूं, तो T1 इक्वल्स टू T2 हम लोग जो बोलते थे, वो कंडीशन कब आती थी, जब यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता था और थ्रेड मासलेस होता था, है ना। थ्रेड और पुली मासलेस होते थे, यहां पर फ्रिक्शनलेस होता था, वो हम लोग आइडियल कंडीशन लेके चलते थे। बट यहां पर आइडियल कंडीशन नहीं है, दैट मीन्स T1 अगर कोई बोले तो T1 इज नॉट इक्वल टू T2, T1 इज नॉट इक्वल टू T2 हियर, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर इस पोर्शन में देखो, यहां से यहां तक अगर इस पोर्शन में हम लोग बात करें, इस पोर्शन ऑफ द थ्रेड में अगर बात करें, तो यहां पर हर एक पॉइंट में, यहां से यहां तक, है ना, यहां तक हर एक पॉइंट में टेंशन बराबर है ना, दैट इज T1। यहां किसी भी पॉइंट में बात करें तो टेंशन T1 है। यहां पर कोई भी पॉइंट यहां से लेके यहां तक कोई भी पॉइंट बोले तो हर जगह पर टेंशन T2 है। बट यहां पर जो पॉइंट है, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन भी आ रहा है, तो यहां पर टेंशन हर जगह पर बराबर नहीं होगा। ये जो पोर्शन मैंने बना रखा है ना, इधर वाला पुल्ली में जो पोर्शन ऑफ थ्रेड है, वो उसमें टेंशन हर जगह पर बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा, है ना। पुल्ली के एक एंड में जहां जो कि यहां से टच है, जैसे इस पॉइंट को सपोज मैंने ए बोल दिया, है ना, और ये पॉइंट को मैंने बी बोल दिया, तो ए टू बी वाले पोर्शन में टेंशन अलग अलग होगा यहां पर हर एक पॉइंट में। और यहां इस पॉइंट से M1 मास तक के जो पुल्ली कनेक्ट, यहां पर जो थ्रेड कनेक्टेड है, वहां पर हर जगह पर टेंशन सेम होगा, दैट इज T1। तो क्योंकि जो थ्रेड है वो मासलेस है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां से कोई भी अगर हम लोग पार्ट देखे पुल्ली स्ट्रिंग का, है ना, तो यहाँ ये थ्रेड का, तो ये थ्रेड जो है वो मासलेस, क्योंकि मासलेस है, तो यहां पर ऊपर टेंशन नीचे टेंशन बराबर होना चाहिए, दैट इज T1। तो ए से लेके यहां तक टेंशन T1 होगा, बी से लेके यहां तक टेंशन मास M2 तक टेंशन T2 होगा, वेरी करेगा जो टेंशन वो ए टू बी करेगा। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए, और वेरी इसलिए करेगा क्योंकि यहां पर हम लोग किसी पॉइंट पे अगर हम लोग उठा के देखें ना, कोई सा भी थ्रेड का इस पोर्शन को, थ्रेड का पोर्शन मैंने बनाया, थ्रेड का पोर्शन ए टू बी, थ्रेड का पोर्शन को उठा के देखें, तो यहां पर टेंशन के साथ साथ एक फ्रिक्शन फोर्स भी है, यहां पर फ्रिक्शन फोर्स भी आ रहा है ना, और क्योंकि ये मासलेस है तो इसमें नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इधर टेंशन अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ टी है, और इधर टेंशन है इस जगह पर, सॉरी ऐसे नहीं बना सकते, यहाँ पर टेंशन ऐसा है, और यहाँ पर इधर से इस पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग में यहाँ पर पोर्शन है कुछ टी डैश बोलो, और यहाँ पर टेंशन टी है, तो क्योंकि यहाँ पर इस पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, इस पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग जो छोटा सा, यहाँ पर एक छोटा सा मैंने पोर्शन उठाया है ना, ये वाला छोटा सा पोर्शन में इधर टेंशन अगर सपोज टी है और इधर टेंशन टी डैश है इस छोटे वाले पोर्शन में, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी साथ में आएगा, इसलिए जो टी डैश है वो बैलेंस आउट करेगा फ्रिक्शन प्लस टेंशन को। तो इसलिए टेंशन जो है वो हर एक जगह पर, हर एक पॉइंट पर अलग अलग होना पड़ेगा। इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, पूछा क्या गया। तो इतनी बात हमें समझ में आती है कि यहाँ पर अलग अलग पॉइंट में ए टू बी टेंशन अलग है। ओके, आगे इसमें बोला गया है, देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द थ्रेड एंड द पुली, इट इज सच दैट थ्रेड स्टार्ट स्लिपिंग, मतलब जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन आ रही है, स्टार्ट स्लिपिंग बोला मतलब जस्ट फ्रिक्शन अपना कौन से लिमिटिंग वैल्यू में जस्ट पहुंचा है, जस्ट स्टार्ट कर रहा है स्लिपिंग, व्हेन द रेशियो m2 बाय m1 इज ईटा नॉट। तो m2 बाय m1 की जो रेशियो है वो अगर ईटा नॉट हो जाए, क्या बोला गया है, m2 बाय m1 की जो वैल्यू है, ये मास का रेशियो m2 बाय m1 अगर ईटा नॉट हो जाता है, तो इसमें ये जस्ट स्लिपिंग यहां पर स्टार्ट होती है, मतलब फ्रिक्शन लिमिटिंग कंडीशन में, फ्रिक्शन का लिमिटिंग कंडीशन लगने लगता है ना, अगर ये रेशियो होता है तो m2 बाय m1 का ये रेशियो होता है, तो
तो पहले बात तो बोला गया कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लो, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया और एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस व्हेन m2 by m1 इज ग्रेटर देन ईटा नॉट. तो m2 by m1 की जो वैल्यू दी है दैट इज ईटा, है ना, व्हेन ईटा इज ग्रेटर देन ईटा नॉट. m2 by m1 को ईटा बोला है, व्हेन ईटा इज ग्रेटर देन ईटा नॉट तो एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस क्या होगा, इन दोनों मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, और पहले में फ्रिक्शन कोफिशिएंट पूछा हुआ है. ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हम लोग क्या करेंगे, ए टू बी पोर्शन का एक हम लोग पार्ट लेते हैं, छोटा सा कोई एक पार्ट लेते हैं, है ना, ए टू बी पोर्शन में स्ट्रिंग का, है ना, ए टू बी जो पोर्शन है स्ट्रिंग का या फिर थ्रेड का बोल लो, उसका एक छोटा सा हम लोग कोई सा एलिमेंट उठाते हैं, या मैंने बड़ा बनाया है, एक छोटा सा एलिमेंट उठाते हैं, ये एलिमेंट उठाएंगे, है ना, ये छोटा सा डी थीटा है, दिस एंगल इज डी थीटा, है ना, बहुत छोटा सा एंगल वाला है, और इसको थोड़ा हम लोग मैग्नीफाई करके बनाते हैं, मैग्नीफाई करके बनाते हैं इसको. तो मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, है ना, थोड़ा मैग्नीफाई कर, मैग्नीफाइड फॉर्म बनाया है, ये डी थीटा, ये एंगल डी थीटा है ना, मैं ऊपर लिख दूँ क्या, ये डी थीटा एंगल का एक छोटा सा पोर्शन हमने स्ट्रिंग का उठाया है, जो ए टू बी स्ट्रिंग है उसका एक छोटा सा पोर्शन उठाया है ना. अब इसमें हम लोग कौन कौन से फोर्सेस हैं उसका एनालिसिस करते हैं, और देखो जो मैथमेटिक्स है मैं वो डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ करूँगा, इतना बात समझ में आना चाहिए. डी थीटा अगर छोटा है, बहुत छोटा है, तो साइन डी थीटा बाई, साइन डी थीटा होगा वो भी बहुत छोटा होगा, तो साइन ऑफ डी थीटा इज डी थीटा, साइन ऑफ डी थीटा बाई टू इज डी थीटा बाई टू, साइन थीटा अगर थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, है ना, साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूँ स्मॉल एंगल के, तो वो समय डायरेक्टली यूज़ करूँगा. उसी तरह से अगर कॉस थीटा, अगर थीटा स्मॉल है तो वन हो जाएगा सीधा, तो मैं सीधा वन यूज़ करूँगा, है ना, तो हम लोग उस तरह से यूज़ करेंगे ताकि जो फालतू के जो मैथ्स लिखना रहे ना वो हम लोग वो अवॉइड कर सके, जो हम लोग काम की पॉइंट है वो हम लोग लिखेंगे. ठीक है, अच्छा अभी इसमें से कौन कौन से फोर्सेस लग रही छोटे से एलिमेंट, ये वाला जो छोटा सा एलिमेंट है थ्रेड का, ये छोटा सा ये थ्रेड का पार्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ थ्रेड, इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे. तो एक बात समझ लो, ये जो ईटा नॉट है ना, पहले तो ये मैं बता दे रहा हूँ, ईटा नॉट हम लोग मान के चल रहे दैट इज ग्रेटर देन वन, मतलब एम टू इज ग्रेटर देन वन एम वन, है ना, मतलब अगर स्लिपिंग होगी तो वो इधर होगी टेंडेंसी स्लिपिंग की, है ना, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम लोग मान ले रहे हैं कि m2 इज ग्रेटर देन m1, दैट मींस ईटा नॉट इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम लोग मानेंगे कि स्लिपिंग इधर से स्टार्ट होगी, मतलब ये इधर से स्टार्ट होगी. ठीक है, अब थ्रेड के इस स्मॉल पार्ट को देखो, मैं थ्रेड के इस स्मॉल पार्ट में अलग अलग एक टेंशन जो लगेगा इससे टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस तरफ लगेगा, है ना, मैं दूसरे पेन से इसको, इस पे जो टेंशन लग रहा होगा, बाकी जो थ्रेड का इधर वाला पॉइंट है वो इस पे टेंशन लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, और इधर वाला पार्ट जो लगा रहा होगा इधर से टेंजेंशियली इस तरफ लगा रहा होगा, है ना, ऐसा लगा रहा होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में. ठीक है, इस तरह का टेंशन लग रहा होगा, तो मैं ये चीज़ तो बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो टेंशन लग रहा होगा, अगर यहाँ पर टेंशन टी है तो यहाँ पर जो टेंशन लग रहा होगा वो टी प्लस डी टी. ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, दिख रहेगा. ठीक है, तो यहां पर अगर टेंशन टी लग रहा होगा तो यहां पर टेंशन टी प्लस डी टी लग रहा होगा. क्यों? क्योंकि इसकी स्लिपिंग की टेंडेंसी किधर है? आगे की तरफ, है ना, ये इधर स्लिप करना चाह रहा है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी इसमें लगेगा ना पीछे की तरफ, है ना, इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी, इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगने वाला है, इस पे, है ना, एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगने वाला है. तो अगर फोर्स बैलेंस करना हुआ तो इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स, इस पे नेट फोर्स इस पे जीरो होना पड़ेगा, है ना, नेट फोर्स इस पे जीरो होना पड़ेगा इस स्ट्रिंग के टुकड़े के, क्यों, मासलेस है, है ना, नेट फोर्स इस स्ट्रिंग के इस यहां से यहां तक पोर्शन में नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा क्योंकि ये मासलेस है, है ना. तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए इतनी बात तय है कि टी प्लस डी टी शुड बी ग्रेटर देन टी, और यहां से भी हमको देखने को मिल रहा है क्योंकि ये इसकी टेंडेंसी इधर स्लिप होने की है, तो टी टू मस्ट बी ग्रेटर देन टी वन, क्योंकि फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है ना, एक साइड इधर, तो यहाँ पर अगर देखे जाए तो इधर T2 इधर लग रहा है, और इस पर देखा जाए तो T1 इधर लग रहा है, तो T2 मस्ट बी ग्रेटर देन T1, क्योंकि फ्रिक्शन का एक फ्रिक्शन भी T1 को सपोर्ट कर रहा है, है ना, और इस पर नेट फोर्स जीरो होना है तो T2 मस्ट बी ग्रेटर देन T1, इस एलिमेंट पे, थ्रेड के इस एलिमेंट पर नेट फोर्स जीरो होना है, और इधर टी प्लस, अगर इधर टी है तो इधर फ्रिक्शन का भी कॉम्पोनेंट आएगा, इसलिए वो इधर ये जो चीज़ है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन दिस, तो टेंशन T1 से T2 तक इधर इंक्रीज होगा, है ना, T2 इज ग्रेटर देन T1,
ओके सो अब अगर हम लोग इसको देखें तो और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, एक नॉर्मल भी लग रहा होगा है ना, इस पर एक नॉर्मल रहेगा, छोटा सा नॉर्मल मैं डीएन बोल देता हूँ उसको है ना, यहाँ पर से इस पर एक नॉर्मल भी लग रहा होगा, इसको हम लोग डीएन बोल देते हैं, ठीक है, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा इस छोटे से एलिमेंट पर, डीएन मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक काम करूँ, इसको मैं डी थीटा को डी थीटा बाई टू, डी थीटा बाई टू में ब्रेक करता हूँ है ना, जैसे हम लोग करते हैं इस केस में, तो ये एंगल इट इज डी थीटा बाई टू, ये एंगल इज डी थीटा बाई टू, ठीक है। तो बहुत आराम से हम लोग देख सकते हैं कि ये एंगल इज, इफ दिस एंगल इज डी थीटा बाई टू है ना, तो दिस एंगल इज डी थीटा बाई टू, सो दिस इज 90 माइनस डी थीटा बाई टू, दिस एंगल इज 90 माइनस डी थीटा बाई टू। तो टेंशन का साइन थीटा कॉम्पोनेंट नीचे की तरफ आएगा, और सॉरी नीचे की तरफ नहीं आएगा, एक सेकेंड, अगर ये एंगल डी थीटा बाई टू है, ये एंगल डी थीटा बाई टू है, तो हम लोग अगर टेंशन के कॉम्पोनेंट्स को ब्रेक करें है ना, टेंशन के कॉम्पोनेंट्स को ब्रेक करें, तो हम लोग कुछ इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ से ऐसा है ना, इफ दिस एंगल इज डी थीटा बाई टू, तो दिस एंगल इज डी थीटा बाई टू एंड दिस एंगल इज 90 माइनस डी थीटा बाई टू, ये जो एंगल दिख रहा है दिस एंगल इज 90 माइनस डी थीटा बाई टू, ठीक है। तो ये हम लोग किया क्या हो रहा था, दिस एंगल इज 90 माइनस डी थीटा बाई टू, तो टेंशन का एक जो कॉम्पोनेंट आएगा वो इधर आएगा, दैट इज टी का साइन डी थीटा बाई टू इधर आ गया कॉम्पोनेंट, तो साइन डी थीटा बाई टू इज सिंपल डी थीटा बाई टू, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है ना। और टेंशन का एक कॉम्पोनेंट जो आएगा वो इधर कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट आएगा, ठीक है। ये तो साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट आ गया, कॉस थीटा वाला जो कॉम्पोनेंट आएगा टी कॉस डी थीटा बाई टू, दैट इज टी का कॉस डी थीटा बाई टू, दैट इज टी इट सेल्फ, क्योंकि कॉस ऑफ डी थीटा बाई टू इज वन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन जो मैंने बोल रखा था। तो मैंने इस टेंशन को इस दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो इसके अलॉन्ग दिस ये टुवर्ड्स सेंटर है ना, और एक ये टेंजेंशियल डायरेक्शन। उसी तरह से इसके जो कंपोनेंट आएंगे वो भी दो डायरेक्शन में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ये वाला t प्लस डी टी का साइन डी थीटा बाई टू, दैट इज डी थीटा बाई टू, और एक कॉस वाला जो कंपोनेंट आएगा है ना, जो कि इस डायरेक्शन में होगा, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इससे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा यहाँ से, दैट इज टी प्लस डी टी। टी प्लस डी टी क्यों लिखा, टी प्लस डी टी क्यों लिखा, वो कॉस ऑफ डी थीटा बाई टू इज वन। तो यहाँ पर इतने फोर्सेस हैं है ना, मैं अब इसको थोड़ा हटा देता हूँ थोड़ा समझने के लिए। तो इतने सारे फोर्सेस हैं, इधर फ्रिक्शन टेंशन, और सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे, क्यों बैलेंस होंगे, क्योंकि थ्रेड मासलेस है, तो थ्रेड का इस पोर्शन पे भी नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा। तो वर्टिक इस डायरेक्शन को मैं अगर देखूँ, इस डायरेक्शन को है ना, अलॉन्ग द रेडियल डायरेक्शन में देखूँ, रेडियल डायरेक्शन में, तो रेडियल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक ये प्लस ये डी एन को बैलेंस कर रहे होंगे है ना। तो dn बराबर मैं लिख सकता हूँ t d theta by 2 और प्लस t d theta by 2, तो 2t d theta by 2 ये बैलेंस हुआ, प्लस dt into d theta by 2 दैट इज़ जीरो, dt खुद भी छोटा है, d theta by 2 भी छोटा है, ये बहुत छोटा टर्म है, ये भी बहुत छोटा टर्म है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, इस दोनों को मैंने जोड़ा तो ये आया, और डीएन इसको बैलेंस करेगा, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं जो डीएन की जो वैल्यू आ गई दैट इज टी डी थीटा, ठीक है। अब इधर वाले डायरेक्शन जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो है उसको बैलेंस कर दो, ये कितना बन गया, एफ प्लस टी दैट इज इक्वल टू टी प्लस डी टी है ना, तो ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और फ्रिक्शन क्योंकि ये जस्ट अपना एम टू बाई एम वन की वैल्यू पे ये जस्ट इसने स्लिपिंग स्टार्ट किया है ना, जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट किया है, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम औकात पे लगेगा अपना, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज म्यू इंटू एन, म्यू इंटू डी एन हो जाएगा यहाँ पर, तो डी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी डी थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू डी टी है ना। सो अगर मैं इसको थोड़ा इधर उधर अरेंज कर दूँ तो ये कितना बन जाएगा, म्यू डी थीटा दैट इज इक्वल टू डी टी बाई टी, लिमिट पुट करते हैं। तो डी थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, देखो ये जो एंगल है वो यहाँ से वेरी करता हुआ यहाँ तक जा रहा है, मतलब जीरो से एंगल, ये एंगल थीटा अगर बोलूँ तो थीटा कहाँ से वेरी कर रहा है, फ्रॉम जीरो ए टू बी में, जीरो से लेके पाई तक, जीरो से लेके पाई तक, और टी की वैल्यू कहाँ से, जीरो पे टी वन थी और बी पे दैट इज पाई पे टी टू थी, तो ये टी वन से लेके टी टू तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू इंटू पाई दैट इज इक्वल टू एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन,
ओके सो मुझे यहाँ से और एक चीज़ देखो, जस्ट इसने स्लिपिंग स्टार्ट किया था, है ना, जस्ट यहाँ पर स्लिपिंग स्टार्ट हुई थी, तो T1 ने M1G को बैलेंस किया होगा, जस्ट सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे, है ना, तो T1 M1G को बैलेंस किया होगा और T2 M2G को बैलेंस किया होगा, क्योंकि हम लोग जस्ट मान रहे हैं जस्ट चलने से चल मतलब जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट हुई है ना, तो ये फोर्स M2G को बैलेंस कर रहा होगा, है ना, यहाँ पर मैं ऐसा दिखा सकता हूँ, ये यहाँ पर नीचे में M2G फोर्स लग रहा होगा ना, इधर M2G और यहाँ पे M1G, तो T1 ने M1G को जस्ट बैलेंस किया होगा, T2 ने M2G को जस्ट बैलेंस किया होगा, तो T1 बाई T2 का जो रेशियो, T2 बाई T1 का रेशियो है, मैं बोल सकता हूँ M2G बाई M1G के बराबर है, है ना, क्योंकि T1 देखो ना, T1 इक्वल्स टू M1G और T2 इक्वल्स टू M2G, है ना, जस्ट बैलेंस किया तो T2 बाई T1 कितना हो जाएगा, M2 बाई M1, तो इसको मैं ln ऑफ M2 बाई M1 भी लिख सकता हूँ, और ln M2 बाई M1 ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है यहाँ पे eta नॉट, तो दिस कैन बी रिटन एज eta नॉट, है ना, eta नॉट, और हमें क्या निकालना है, म्यू निकालना है ना, तो म्यू यहाँ से देखो निकल गया, म्यू इक्वल्स टू 1/π ln ऑफ eta नॉट, सो एक तो हमारे पास में ये रिजल्ट आ गया, म्यू इक्वल्स टू 1/π ln ऑफ eta नॉट, तो ये पूछा गया था, ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ मासेस व्हेन दिस रेशियो M2 बाई M1 रेशियो इज ग्रेटर देन eta नॉट, तो क्या होगा, है ना, सो मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ एक बार, जो रिजल्ट है वो हम लोग यहाँ पर बस रखते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, हाँ अगर ये रेशियो जो है M2 बाई M1 ग्रेटर, तो ये मास और ज़्यादा बढ़ जाएगा, अब तो स्लिपिंग होगी होगी, है ना, अब स्लिपिंग स्टार्ट होगी, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन, बाकी सब चीज़ थोड़ा हटा देता हूँ तुमको कन्फ्यूज़न ना हो ऊपर वाले, अभी बस इसको, तो इसको देखो, अगर स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट होगी, मतलब स्लिपिंग अगर eta इज ग्रेटर देन eta नॉट, अब तो स्लिपिंग हो ही रही है, तो इसके पास कुछ एक्सेलरेशन आएगा ए, तो सेम एक्सेलरेशन इस मास का भी होगा, एक्सेलरेशन ए बाई कंस्ट्रेंट, इसका एक्सेलरेशन वही होगा जो इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि रस्सी की लेंथ चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या इक्वेशन लिखेंगे, देखो इस जगह पे लिखेंगे M2G माइनस T2 दैट इज इक्वल टू M2 इंटू ए, है ना, और यहाँ से हम लोग लिखेंगे T1 माइनस M1G दैट इज इक्वल टू M1 इंटू ए, ये इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, अब क्या करें, मैं एक काम करता हूँ, हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक काम करो, यहाँ से T2 और T1 के टर्म्स में लिख देते हैं इसको, है ना, तो मैं T2 को देखो क्या लिख सकता हूँ, पहले इक्वेशन से T2 इक्वल्स टू M2 इंटू जी प्लस T2 इक्वल्स टू M2 इंटू जी माइनस ए लिख सकते हैं इसको, ठीक है, T2 इक्वल्स टू M2 इंटू जी माइनस ए और T1 इक्वल्स टू M1 इंटू जी प्लस ए, ये लिख सकते हैं हम लोग, अब मैं इसका रेशियो ले लूँगा T2 बाई T1 का, तो T2 बाई T1 का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो M2 बाई M1, है ना, M2 बाई M1 इज ऑलरेडी eta बता के रखा है इसमें क्वेश्चन में, तो eta इंटू जी माइनस ए अपॉन जी प्लस ए, अब जो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली बात है, दैट इज T2 बाई T1 का जो रेशियो है वो eta नॉट होगा, ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए, अब वो हम लोग कैसे बोल रहे हैं, देखो ये जो T2 बाई T1 का जो रेशियो था वो M2 बाई M1 के बराबर कब था, जब इनका रेशियो eta नॉट था और वो जस्ट स्लिपिंग वाली कंडीशन थी, है ना, जस्ट स्लिपिंग वाली कंडीशन थी, तो एक बार अगर स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है तो T2 बाई T1 का जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, अगर एक बार स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है तो T2 बाई T1 का रेशियो eta नॉट ही होगा, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, और ऐसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार स्लिपिंग स्टार्ट हो गई तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज नहीं वाला है, होने वाला है, यहाँ पर देखो ये स्मॉल पोर्शन में ये फ्रिक्शन का वैल्यू तो कांस्टेंट हो जाएगा, वो चेंज नहीं हो रहा है, ये 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 सब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ए टू बी में जो टेंशन का जो रेशियो था वो मेंटेन होगा, वो वही रहेगा, एक बार M2 बाई M1 की जो वैल्यू है वो eta नॉट को क्रॉस कर जाए और उसके बाद स्लिपिंग की कंडीशन आ जाए, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लगनी स्टार्ट हो जाए, फिर वो टेंशन का वैल्यू चेंज नहीं होगा, T2 बाई T1 जो रहेंगे T2 बाई T1 का जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, उससे पहले की अगर बात करें जब स्लिपिंग नहीं हो रहा था, जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था होगा उस समय,
है ना, जब यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन जब लग रहा होगा, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो T2 by T1 की जो हमने फाइनल वैल्यू निकाली इंटीग्रेट फॉर इंटीग्रेट करके, वो चीज़ चेंज हो सकती है। लेकिन एक बार अगर ये फिक्स वैल्यू लगने लग गया, एक बार ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगने, तो ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है, तो यहाँ पर इस दोनों पॉइंट पे जो टेंशन का जो रेशियो था वो चेंज नहीं होने वाला है। दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू पे जो M2/M1 का रेशियो था ईटा नॉट, वही टेंशन T2/T1 का वैल्यू होगा। ये बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो T2/T1 की वैल्यू हो जाती है यहाँ से ईटा नॉट, ईटा को मैं नीचे ले आता हूँ, दैट इज इक्वल टू G-A / G+A। बाकी तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है ना, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगा दो यहाँ पर, सेकंड इसको मैं हटा देता हूँ। तो ईटा माइनस ईटा नॉट लिया और नीचे ईटा प्लस ईटा नॉट लिया, तो ये कॉम्पोनेंट डिविडेंडो में सेम ऐसे ही लेंगे, G+A - G+A डिवाइडेड बाई G+A + G-A, है ना। तो यहाँ से A कट गया और यहाँ से G कट गया, दैट इज इक्वल टू A/G। तो यहाँ से हम लोग फाइनली A की वैल्यू निकाल सकते हैं, G इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज G इंटू ईटा माइनस ईटा नॉट डिवाइडेड बाई ईटा प्लस ईटा नॉट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पूछ सकते हो। और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।